हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को एक छोटा सा बहुत क्यूट सा एक रिकॉर्ड प्लेयर का वीडियो भेज रहा हूँ। रिकॉर्ड प्लेयर काम रेडियो का, इसमें तीन बैंड रेडियो है। ये देखिए, ये रोटर स्विच है, तीन बैंड रेडियो, ठीक है। ये ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग करने के लिए ये घूम घूम रहा है, देखिए, ठीक है। ये वॉल्यूम कंट्रोल है, इसमें और कुछ नहीं था, और ये हाई लो करने के लिए स्विच दिया हुआ था, ठीक है। अभी इसमें कोई स्विच नहीं था, अगर वो ऑन को लेके आप ऐसे करके रिकॉर्ड में बैठा देंगे तब वो अपने आप घूमने लगेगा, ठीक है। इसको ऐसा कर दीजिए तो वो बंद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको उसको चालू करके दिखा रहा हूँ। ये फोनो पार्ट है, ओ अच्छा, यहाँ में देखिए एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ था, ये 33 ऑफ, 45 ऑफ, मतलब आपका जो 78 भी है इसमें, 78, ठीक है। मतलब आप जब बजाएंगे उसको तो रिकॉर्ड का स्पीड देखना पड़ेगा जो कितना है। अगर वो 33 में है तो आप 33 में दे दीजिए इसको, ठीक है, तो बजने लग वो घूमने लगेगा, इसका स्पीड घूमने लगेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे घुमाना पड़, मतलब इसको ऑन करना कैसे करना पड़, ये देखिए। अगर आप इसको ऐसा ले आएंगे ऑफ हो जाएगा। आप पहले इसका स्पीड ठीक कर लीजिए, जैसे 45 स्पीड है, 45 में लेके आइए, इसके बाद आप इसको लेके यहाँ में दीजिए, इसके बाद रिकॉर्ड बैठाइए, बस इसको रखने से वो चालू हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। इसमें कनेक्शन डायग्राम पूरा टूटा हुआ था, सब तार खुला हुआ था, पता नहीं है किसने इसका काम किया था, एकदम बर्बाद करके रख दिया था। मैंने इसका सब कनेक्शन लगाया, ये इसका मेन एसी ट्रांसफार्मर है 6 वोल्ट का, ठीक है। ये एसी ट्रांसफार्मर से डीसी 6 वोल्ट होके ये मेन बोर्ड में गया, ये इसका मेन ऑडियो बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ ख़राब था, और एक चीज़ दो नहीं चार चीज़ ख़राब था। ये देखिए छोटा छोटा दो कैपेसिटर है, ये ख़राब है। तो ये मैंने इसको नहीं खुला है, क्योंकि ये खुलने से इसका फॉयल जो है ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पीछे से लगा दिया है, और इसको दोनों को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये कैपेसिटर न्यू लगा हुआ है, ये कैपेसिटर न्यू लगा हुआ है। ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर मिल के इसको उन लोगों ने ऑडियो बनाया है। उस टाइम ऐसे करके बनता था, आईसी नहीं था इसलिए। इसके बाद इसका प्री एम्पलीफायर बोर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर बजाने के लिए इसको कार्टिस को मैचिंग करने के लिए उसका जो प्री एम्पलीफायर बनता था वो थोड़ा अलग टाइप का था। नॉर्मल जो प्री एम्पलीफायर बोर्ड है वो उसमें कार्टिस मैचिंग नहीं होगा, उसमें हमिंग आएगा ना, बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा करके उसका प्री एम्पलीफायर सेक्शन बनाया। तो अभी इसका ये तो मोटर है, पता ही है आप लोगों को, ये कैपेसिटर दिया हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर क्यों दिया हुआ है, ये मोटर उस टाइम क्या बोलता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर मोटर नहीं था, कार्बन मोटर था, कार्बन ब्रश मोटर था। तो कार्बन ब्रश मोटर का एक ही डिसएडवांटेज था, जो डिसएडवांटेज उस टाइम बहुत ही था, इसलिए वो लोग का वो जब चलता था उस टाइम एक बोटिंग आता था, कैसा करके बोटिंग आता था। तो वो बोटिंग बंद करने के लिए ये कैपेसिटर देना पड़ता था, इसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में आप कैपेसिटर लगा देने से वो बोटिंग बंद हो जाएगा। अभी देखिए इसका रेडियो पार्ट, इसको हम लोग बोलता था एल बोर्ड, देखिए एल माफिक है, एल का टाइप। तो इसका उन लोगों ने इसका कॉयल यहाँ में अलग जगह में बैठाया, यहाँ से बोर्ड इसका आईएफ का जाएगा,
बनाया उन लोगों ने, तीन IF है, इसका मेन मीडियम एंटीना कोयल है, ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम था। और इसका मेन प्रॉब्लम था इसका, ये बोर्ड में भी प्रॉब्लम था, ये जो देखिए एक छोटा सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये डायोड है, ये OA79 बाय ऐसा टाइप का कुछ नंबर होता था उस टाइम, वो डायोड है इसमें, ये डायोड थ्रू आपको इसका ऑसिलेशन ये मतलब IF में देना पड़ेगा, इसके बाद ही वो बोर्ड वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा ये। इसके बाद ये चालू करने का बाद पहले आप ये सब सेट में जब आएगा आपका पास वो, उसको आप उसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो एकदम एक्यूरेट करना पड़ेगा आपको, सब कुछ करने का बाद, इसके बाद ही आप उसको एक एक करके टेस्ट करके आपको देना पड़ेगा। पहले आप ऑडियो देखिए, इसके बाद प्री एम्पलीफायर देखिए, हो गया, इसके बाद आप रेडियो पार्ट में जाइए, रेडियो पार्ट में उसका IF देखिए, उसका ट्रांजिस्टर, जी जो ट्रांजिस्टर दिखा दे रहा है ये BF ग्रुप का ट्रांजिस्टर है, ये भी ख़राब हो सकता है, ये देखिए, अगर ये सब ठीक है तो आपका सेट ज़रूर चलेगा, ठीक है। और ये में देखिए एक गैंग लगा हुआ है, ये गैंग है, ये गैंग एक्चुअली ओरिजिनल कंपनी का गैंग नहीं है, क्योंकि ये बाद में किसी ने लगाया, क्योंकि उस टाइम ये सब टाइप का इस टाइप का गैंग नहीं था, तो बाद में कोई लगाया मैकेनिक्स ने, ठीक है, वो चलने लग गया ये, ठीक है फ्रेंड, ओके। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना आप लोग, मैं जो इसका बाद में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमको मैसेज करना, तो मैं आप लोगों को पिन से और एक वीडियो बना के मैं आप दिखा पाऊँगा, लेकिन अभी आज इतना ही छोटा सा वीडियो बनाया, इसके बाद और भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। एक बहुत ही छोटा सा एक प्लेयर आया आज मेरे पास, दिखा रहा हूँ इसको, देखिए ये देखिए कैसेट प्लेयर, बहुत ही छोटा सा कैसेट प्लेयर है, इतना सुंदर है दिखने में, ये चालू किया है मैंने, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।